के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नबी ने फरमाया हम खलीस चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। ये कौन है नबी? कौन? सादिक। नबी कौन? सादिक। ये कौन? सादिक से दो कदम आगे सीगा मुबालिगा। इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री, अरबी में सीगा मुबालिगा सिद्दीका। सलावात पर ये बहुत बनवा लेगा। नबी ने कहा हम खलीस चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा हमें महसूस हो रहा है। देखिए किसी का मसला बिगड़ जाए तो क्या हो? हकीम साहब ने फरमाया इनका मसला बिगड़ गया है, गुलाब का फूल इनकी नाक में लगा दी, कुछ हो नहीं, मसला बिगड़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भी ऐसा मसला जो मुस्तकिल बिगड़ा हुआ और तासुब की बुनियाद पर, तासुब का मसला इसका कोई इलाज ही नहीं। ये मसला तो ठीक हो सकता है, कोई मसला नहीं ठीक हो सकता। नबी ने कहा हम कभी चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा हमें महसूस हो रहा है। इधर से इसरार बढ़ा, इधर से इनकार बढ़ा, इसीलिए इस्लाम में कयास हराम है। उधर से कहा गया मुमकिन है शहद की मक्खियां जब फूलों की नखत से जोड़ी हो तो उनका गुजर उधर से हो गया हो, जब गाफिर की भट्टियां हो और शहद की मक्खियों ने अपने हसास परों में नखत के साथ कलादत का जुज भी शामिल कर लिया हो, और फिर जब शहद की मक्खियों ने अपने कारखाने कुदरत में शहद बनाने की गलती की हो तो नखत के साथ वो कलादत का जुज भी उसी शरबत तक, उसी शहद तक आ गया हो जिसको आपने पोष किया हो। जैसे मिसरे पढ़ते हैं आप कि मगरब को बाग में जाने न देना कि नहा खून परवानों का होगा। एक सलावत पर नियत में आ रहा हूं। नबी ने कहा हम कलीन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा हमें महसूस हो रहा है। मैं नाम नहीं लेता, सिफत बयान करता हूं, जुमला सुनिए। नबी घर में चादर ओढ़े आराम कर रहे हैं। एक कमसिन बच्चा घर में दाखिल हुआ, अम्मा को सलाम किया, माजरे गिरामी नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये इमामत का बचपना है जो नबी को न देखे मगर खुशबू महसूस करे। क्या आप है? आपको खुशबू महसूस हो रही है? मुकम्मल करूं हुजूर, जिस इलाके में गोश्त का कारोबार होता हो या चमड़े का कारखाना हो या चीनी मिल हो तो जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं, सुबह शाम वही रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। ना उल्टी है, ना तय है, ना पतली है, बच्चे बूढ़े जवान सभी मौजूद है। हम आप उधर से गुजरे, रुमाल फौरन नाम पर, क्या हुआ भाई? कहले अजीब सी बदबू आ रही। कहले भाई ये पूरी बस्ती आप असली? कहले इनकी तो आदत है, इनके रगो रेशे में ये बदबू रच बस गई है। हाय महसूस नहीं किया आपने? इनके रगो रेशे में बदबू रच बस गई है। जिनके बुजुर्गों की जिंदगियां मकाबीर की भट्टियों में गुजरी हो, पढ़ना, देखना, सब सवाल कुरान आवाज दे और खुदा आवाज देगा। अगर
होती तो मेरे नबी के दामन इस्मत पर कितने दाग होते तुम शुमार न कर सकते थे। सलावात पर मोहम्मद वाले मेरे पास यह वो इस्मती किरदार जिसने अपनी तरफ से कोई मुतालबा न किया। नबी का अपना घर, अपना कमरा, अपनी सौजा, निजी गुफ्तगु और कोई जुमला मशीयत को नागवार खाते को करता है तो जो भाई पाबंदी लगा देते वही रसूल ठीक दोपहर में सवा लाख हाजियों के मजमे में अली को मौला बना जाए, जिब्राइल न रोके, वही रसूल फातिमा की तासीम को कयाम करे, जिब्राइल न रोके, वही नबी ईद के दिन नाके की शबी बन जाए, जिब्राइल न रोके, वही नबी जुमे के खुतबे को तोड़ दे, जिब्राइल न रोके, वही नबी सजदे को तूल दे दे, जिब्राइल न रोके। इसका मतलब खुदा को बंद कमरे वाला एक जुमला नापसंद था, ये सारे आमाल पसंद है। वाह बस हो ना हो ना तशाऊ ना इल्ला इंद शाअल्लाह सलावत पर मोहम्मद वाले जिसका चेहरा देख के आलम इस्लाम की बात नहीं करता, खैर कलमा पढ़ ले उसे मासूम कहा जाता है। जिसका चेहरा देख के खैर कलमा पढ़े वो है मासूम, कहने की जरूरत नहीं होती। यमन का रहने वाला सलावात पढ़िए मोहम्मद और उसके बाद तीसरे दिन सुबह के वक्त इसके पहले की बोलो